इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे जो इलेक्ट्रिकल अर्थ होता है, जिसे अर्थिंग भी कहा जाता है, इसे कैसे चेक करें कि सही है या गलत। जैसे यहाँ पे मल्टीमीटर का हम इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यूटी टेस्ट लैंप का इस्तेमाल करेंगे, और इस दोनों से जांच करके हम आपको दिखलाएंगे और इस दोनों में बेहतर कौन सा है चेक करने के लिए इलेक्ट्रिकल अर्थ। और यहाँ पे एक गलत है एक सही है, तो कौन सा गलत है कौन सा सही है हम आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे चेक करके दिखलाएंगे, और क्या फ़ायदे हैं, क्या काम करता है आपका अर्थ और क्या काम नहीं करता है आपका अर्थ, और कितना लोड ले सकता है और कहाँ तक लोड ले सकता है, और क्या चलता है और क्या नहीं चलता है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारा आपको नॉलेज मिलेगा, बहुत सारा आपको जानकारी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं, गौर से देखिए सुनिए समझिए, उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है सवाल है सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो जैसे कि यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो आपको एक बोर्ड दिखाई देगा जिसमें एक सॉकेट लगा हुआ है। सॉकेट में जो पिन का पॉइंट होता है, लेफ्ट साइड आपका न्यूट्रल होता है, राइट साइड आपका फेस होता है, और ऊपर वाला जो पॉइंट होता है वो अर्थ का होता है, जिसे अर्थिंग कहते हैं। उसके बाद एक लाइन वायर है जिसमें आपका फेस है, न्यूट्रल है, बड़ी अर्थ है। सेम उसी तरह से दूसरे साइड आपका पॉइंट है, जैसे रेड आपका फेस हो गया, ब्लैक आपका न्यूट्रल हो गया, और ग्रीन यानी हरा जो है वो बड़ी अर्थ हो गया। इस दोनों लाइन में एक लाइन में फॉल्ट है, यानी एक साइड आपका अर्थ आपका सही तरह से नहीं आ रहा है। आप कैसे चेक करेंगे कौन सा गलत है कौन सा सही, हम आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे टेस्ट करके दिखलाएंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे एक मल्टीमीटर लिए हैं, इससे भी चेक करके दिखलाएंगे, और दूसरा एक आपका कंटिन्यूटी होल्डर लिए हैं जो कंटिन्यूटी टेस्टिंग होल्डर कहते हैं, इससे भी हम आपको चेक करके दिखलाएंगे। लेकिन अगर प्रॉपर तरह से अगर आप जानना चाहते हैं हर पॉइंट को बारीकी से, तो आपको मल्टीमीटर से ही चेक करना चाहिए अर्थिंग का टेस्टिंग। तो यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको बतलाना चाहें, जैसे कि आपका फेस हो गया, न्यूट्रल हो गया, बड़ी अर्थ हो गया, इसमें कौन सा कलर से तो एक हो जाता है, एक होता है कौन सा फेस है। तो लाइन टेस्टर से आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि हम फेस में अगर टच करते हैं तो टेस्टर हमारा जलता है, उसमें जो बल्ब लगा है वो आपका ऑन हो जाता है। आप बोर्ड में लगाएंगे तो भी, या कहीं पे भी किसी भी तरह का वायर हो, अगर उसमें फेस लाइन का करंट आ रहा है, अगर वहाँ पे आप लाइन टेस्टर से चेक करेंगे तो आपका टेस्टर से पता चल जाएगा, लेकिन किसी न्यूट्रल या बड़ी अर्थ में नहीं पता चलता है। जैसे कि ये न्यूट्रल का वायर है तो इसमें तो करंट बताएगा ही नहीं, सिर्फ फेस करंट बताता है लाइन टेस्टर से। तो यहाँ पर आप फेस लाइन को पता कर सकते हैं लाइन टेस्टर से। अब चलिए हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पर चेक करके दिखलाएंगे सबसे पहले बल्ब होल्डर से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बल्ब होल्डर लेंगे और यहाँ पे हम आपको चेक करके दिखलाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम फेस में टच करेंगे एक वायर को, और एक वायर को न्यूट्रल में टच करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बल्ब जल रहा है, अब यहाँ पे फेस टू न्यूट्रल हो गया, अब फेस टू अर्थ चेक करेंगे, यहाँ पर ये भी जल रहा है, सही है। अब चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूट्रल टू अर्थ चेक करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये थोड़ा धीमा जल रहा है, लेकिन ये फॉल्ट है, ये नहीं जलना चाहिए क्योंकि इतना करंट नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखिए। आपका न्यूट्रल टू अर्थ जो होता है इतना वोल्टेज यानी इतना करंट नहीं रहता है। अब चलिए जो दूसरा लाइन है उस साइड चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले फेस टू न्यूट्रल हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे एक वायर को फेस में टच करेंगे, एक वायर को न्यूट्रल में, तो यहाँ पे बल्ब हमारा जल रहा है, चलिए फेस टू न्यूट्रल सही है। उसके बाद फेस टू अर्थ चेक करेंगे, ये भी हमारा जल रहा है, ये भी सही है। अब उसके बाद हम चेक करते हैं यहाँ पे न्यूट्रल टू अर्थ नहीं जल रहा है, ये सही है, यहाँ पे ये नहीं जलना चाहिए क्योंकि जो वोल्टेज आता है वो बहुत कम आता है, बल्ब नहीं जल सकता है। आप बोर्ड में भी चाहें तो सेम इसी तरह से आपको चेक करना होता है, फेस टू न्यूट्रल या न्यूट्रल टू अर्थ या फेस टू अर्थ, सेम वायर को आपको चेक करना है। कहीं डीबी में भी आप चेक करना चाहते हैं, किसी भी वायर में चेक करना चाहते हैं, तो सेम आपको चेक करना है। अब यहाँ पे हम मल्टीमीटर लेते हैं, और मल्टीमीटर को यहाँ पे इसको हम करेंगे वोल्ट पे, जो एसी करंट हम लोग चेक करते हैं ना, वहाँ पर इसको सेट करेंगे। अब यहाँ पर हम कर दिए, उसके बाद इसका वायर हम लेते हैं यहाँ पर, और इससे हम आपको चेक करके दिखलाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चीज़ हम यहाँ पे और लेते हैं जिसे हम लोग चिमटी कहते हैं, और इसमें हम दो वायर इस तरह से जोड़ लिए हैं, और एक ब्लैक है एक रेड है, इसे डीसी में भी बहुत से जगह पे हम लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे एसी में यूज करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीमीटर के पिन में हम इसको लगा देंगे, ठीक है, उसी तरह से दूसरा वाला जो वायर है मल्टीमीटर के पिन में लगा देंगे, ताकि वायर लूज नहीं हो और हम आपको मल्टीमीटर को बेहतर तरह से दिखा सकें, इसलिए इस पिन का हम यूज कर रहे हैं, चिमटी का यूज कर रहे हैं। एक पॉइंट को हम न्यूट्रल में डाल दिए, और फिर जो दूसरा वाला हमारा बच रहा है इसको क्या करेंगे, हम फेस में यहाँ पर डालेंगे, और उसके बाद हम वोल्टेज देखेंगे।
तो यहाँ पे हम लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे वोल्ट देखेंगे तो 198 है, यानी 198 वोल्ट हमारा आ रहा है। अब ये बहुत से जगह पे क्या होता है, 220 आता है, 230 आता है, 240 आता है, बहुत से जगह पे 250 भी आता है। हमारे यहाँ थोड़ा वोल्टेज कम है। वोल्टेज अगर आपका 220, 230, 240 तक है तो बेहतर रहता है। 200 वोल्ट भी हमारे यहाँ सही है, क्योंकि हर तरह का इंस्ट्रूमेंट चल जाता है, थोड़ा सा वोल्टेज कम है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो न्यूट्रल का पिन है उसे निकालेंगे और अर्थ में लगाएंगे। अब इसका वोल्टेज हम देखेंगे, तो यहाँ पे इसका वोल्टेज जो है हमारा 203 वोल्ट आ रहा है। आपके यहाँ हो सकता है ये 240 भी आए, 230 भी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी फेस टू अर्थ आपका जितना आ रहा है, जैसे 220 240 ठीक है, या फेस टू न्यूट्रल आपका 220 240 ठीक है, लेकिन आपको न्यूट्रल टू अर्थ, जैसे ये पॉइंट हम फेस से निकाल दिया, अब इसको न्यूट्रल में हम डालेंगे और इसका वोल्टेज देखेंगे, तो यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है हमारा 2 वोल्ट आ रहा है, मात्र 2। ये सही है, जो हमारा न्यूट्रल टू अर्थ यानी न्यूट्रल से अर्थ जो होता है, इस दोनों के बीच जो करंट आता है वो हमारा 2 वोल्ट होना चाहिए, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट भी बहुत से जगह पे आता है और ये सही होता है। और इसका भी इस्तेमाल बहुत से जगह पे होता है, जैसे एक्सरे मशीन होता है, उन सब में बहुत से जगह पे ज़रूरत पड़ता है, बहुत सारा पीसीबी लगा रहता है बहुत से मशीन में, वहाँ पे आपका अर्थ भी यूज होता है। एक तो आपको करंट से बचाता भी है आपका अर्थ, लेकिन बहुत से पीसीबी जिसमें लगे हुए रहते हैं वहाँ पे आपका अर्थ का भी ज़रूरत पड़ता है। अब चलिए क्या करते हैं, इस साइड हम आपको चेक करके दिखलाते हैं जिसमें आपका गलत आ रहा है। सबसे पहले फेस वाला पिन हम लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रल का लगाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे करंट देखेंगे कितना आ रहा है। यहाँ पे जो करंट हमारा आ रहा है वो आ रहा है 1967 हो रहा है, ये भी हमारा सही है। जो वोल्टेज हमारे यहाँ थोड़ा कम ही आ रहा है, 200 वोल्ट हम मान लेते हैं कि आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो सकता है आपके यहाँ 230, 240 या 220 भी हो सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फेस टू अर्थ चेक करेंगे और उसके बाद इसका वोल्टेज देखेंगे, तो ये भी सेम आ रहा है, ये भी हमारा सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारा फेस टू न्यूट्रल और फेस टू अर्थ भी सही है। लेकिन हम यहाँ पे चेक करते हैं न्यूट्रल टू अर्थ, यानी न्यूट्रल से जो अर्थ है, इस दोनों को मिल करके कितना करंट आ रहा है। ये आ रहा है 109, 109 वोल्ट, और ये गलत है। ये जो करंट आ रहा है 109, 110, ये क्या होगा, बहुत सारा पीसीबी जो रहता है, जैसे एक्सरे मशीन हुआ या बहुत सारा अल्ट्रासाउंड होता है, ये सब जो मशीनें होती हैं, जो माइक्रोस्कोप वगैरह होता है, उसमें बहुत तरह के किट लगे हुए रहते हैं, पीसीबी लगे हुए रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो क्या होगा, उड़ जाएगा। उसको चाहिए 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, जो अर्थ का रहता है न्यूट्रल टू अर्थ आपका 3 वोल्ट, 5 वोल्ट चाहिए। अब वहाँ पर वो क्या होगा, उड़ जाएगा, क्योंकि इतना वोल्टेज पर वो बना ही नहीं है पीसीबी, तो ये फॉल्ट होता है। अब यहाँ पे आपके मन में ये सवाल होगा, ये कैसे सही होगा। देखिए यहाँ पे दो कारण हो सकता है, जो न्यूट्रल लाइन है आपके ट्रांसफार्मर से ही वो गलत आ रहा है, उसमें करंट ज़्यादा आ रहा है न्यूट्रल लाइन में। एक होता है कि जो घर पे अर्थ किया गया है या जहाँ भी अर्थिंग किया गया है वहाँ पे जो वायर है वो लूज है, प्रॉपर तरह से टाइट नहीं है, और कहीं से वो लीकेज कर रहा है। तो इस दोनों चीज़ को आपको देखना है कि जो हम अर्थिंग किए हैं वो लूज तो नहीं है और प्रॉपर तरह से कनेक्ट है, कहीं से अटैच तो नहीं है किसी वायर से, किसी करंट से। और दूसरा, हमारा जो ट्रांसफार्मर से आ रहा है, अगर उसका भी जो अर्थ रहता है, क्योंकि न्यूट्रल जो रहता है वो ग्राउंड से ही बनके आपका अर्थिंग से ही कनेक्ट होता है, तो वो अगर लूज हो जाता है उस टाइम भी ये प्रॉब्लम होता है। इसी तरह से किसी भी बोर्ड में आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, या किसी भी तरह का कहीं पर वायर रहे, मेन लाइन का वायर है, आपका वायर खुला हुआ है, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, या एमसीबी बॉक्स, जहाँ पे भी आप चाहते हैं इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब एक चीज़ और हम आपको बतला देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे फेस टू न्यूट्रल जो आपका करंट आता है, इस पे जितना लोड चाहें, जो लोड चाहें आप चला सकते हैं, वायर आपका मजबूत होना चाहिए और प्लस जो ट्रांसफार्मर से आपका लाइन आ रहा है उतना वो लोड लेने की कैपेसिटी उसका होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे फेस टू अर्थ, इस पे भी आप चाहें तो इलेक्ट्रिकल लोड चला सकते हैं, जितना भी आप लोड चलाना चाहें, लेकिन हमेशा ध्यान में रखिएगा जो नाइट्रोजन गैस वाला कंप्रेसर होता है, जैसे कि एसी, फ्रिज नहीं, फ्रिज जो आपका 500 वाटेज होता है, लगभग 1 KVA से ऊपर, 1.5 KVA से ऊपर, जैसे एसी का कंप्रेसर हो गया, वो आपका अर्थ टू फेस के करंट पे नहीं चलेगा। ये हमेशा माइंड में इस नोट करके रख लीजिएगा इस बात को, जो अर्थिंग होता है उससे
और आप फेस से चाहते हैं कि हम एसी चलाएं तो उसका कंप्रेसर नहीं चलेगा, बाकी काम करेगा तो कूलिंग ही नहीं करेगा, लेकिन न्यूट्रल से आपका काम करेगा। और जो न्यूट्रल टू अर्थ होता है इसका दो फायदा होता है, एक अगर अर्थ का वायरिंग आप किए हुए हैं प्रॉपर तरह से अर्थिंग करके कनेक्ट किए हुए हैं तो जो घरों में फ्रिज लगता है या हीटर लगता है, जो स्टील बॉडी होता है मेटल बॉडी होता है जिसमें करंट आ सकता है, अगर आप प्रॉपर तरह से अर्थ की वायरिंग किए हैं तो वहाँ पे आपको सेफ्टी देता है, बचाव देता है कि किसी कारण उसके अंदर करंट आ जाए तो आपके लिए बचाव काम करता है। और एक होता है आपका जो न्यूट्रल टू अर्थ अगर किसी तरह का पीसीबी है वहाँ पे 5 वोल्ट पे भी बहुत सारा पीसीबी काम करता है, बहुत सारा पीसीबी 2 वोल्ट पे भी काम करता है, जैसे अल्ट्रासाउंड का या एक्सरे का मशीन होता है उन सब के लिए जरूरत होता है तो वहां पे काम करता है। दूसरा चीज, अगर आप प्रॉपर तरह से जांच करना चाहते हैं अर्थ का यानी अर्थिंग कि कितना वोल्टेज आ रहा है, कैसा है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो कंटिन्यूटी टेस्टिंग होल्डर से आप नहीं कर सकते हैं, बल्ब होल्डर से प्रॉपर तरह से आप चेक करने के लिए मल्टीमीटर का ही इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो सही तरह से जांच नहीं कर पाइएगा अर्थिंग का। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अर्थिंग कैसे चेक करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।